आप जानते हो क्या? भाजपा को हराने वाला मात्र एक ही प्रत्याशी है, आप सब भी अच्छी तरह से जानते हैं, नाम बताओ ना। और उसी को हमारा समर्थन है जो यहाँ भाजपा को हरा सकेगा। सिर्फ अजमेर में नहीं, पूरे राजस्थान में हमने ये डिसीजन लिया है कि जो भाजपा को हरा सकेगा, सक्षम जो नाम बताओ ना, उसको भी हमारा समर्थन होगा। नाम नहीं है आपके पास, सक्षम कौन है? नाम आ जाएगा सामने, जनता के सामने आ जाएगा, पब्लिक को सब मालूम है। कांग्रेस वालों ने भी पब्लिक को सब मालूम है कि कौन सक्षम है। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि हमें भाजपा को हराना है। हमारा मिशन भाजपा को हराने का है, मेन मिशन हमारा यही है। हम इसीलिए हमारे कैंडिडेट हमने मैदान में इसीलिए नहीं उतारे कि हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा आसानी से जीते। हम भाजपा को सक्षम, हम बहुत सक्षम है, हमारे में बहुत सक्षमता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब आपको बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है सिर्फ भाजपा को हराने के लिए रखी है। हमारा मिशन भाजपा को हराने का मिशन है। हमने हम अपने कार्य, हम अपने अपने जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी वोटर है, हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है राजस्थान में, और कोई कमी नहीं कार्यकर्ता। हमने यूं बुलाई है जो अजमेर के अंदर जो मजबूत प्रत्याशी है जो भाजपा को हरा सके, उसको समर्थन देना है। आपको बोला नहीं था क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस कहे थे कोई मेरा नाम बोलना नहीं क्या? चार्ट कहाँ पर है आपके प्रदेश अध्यक्ष, ये बताओ पहले तो। वो राजस्थान में ही, और कहाँ पे? तो ये प्रेस विज्ञप्ति में तो यहाँ बोल रहे हैं, तो वो कहाँ है? उनसे सवाल कर ले, आपको नहीं सक्षम पता है तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। आपको सवाल करने की इजाजत है? वो अभी जयपुर बैठे में हैं। तो फिर विज्ञप्ति अजमेर से जारी हो रही है? नहीं, ये विज्ञप्ति तो अजमेर की जारी हो रही है, जयपुर से जारी नहीं हो रही है। अजमेर की विज्ञप्ति है ये। सबको आप सब जानते हैं, आप सबको मालूम है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये था कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने दिल्ली में हमारी सरकार को और उसके कार्यों में जो बाधाएं अटकाई, जिससे आम जनता को जो फायदे होने चाहिए थे वो आसानी से नहीं मिल पाए, और उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी, कोर्ट में जाना पड़ा, और दुनिया भरी की परेशानी झेलने के बाद दिल्ली सरकार ने वो सारी सुविधाएं उनको दी। हम नहीं चाहते कि आने वाले देश में, आगे वाले लोकसभा चुनाव में जीतने वाला कैंडिडेट इन सब चीज़ों के जो नुकसान वापस पहुँचाए और आम जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिले। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो भी सशक्त कैंडिडेट आम बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सके, उसके खिलाफ जो भी हमारा अच्छा सशक्त कैंडिडेट उसको हम अपना मतदान करेंगे। कौन होगा ये? बहरहाल अभी अजमेर में जो स्थिति है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रिजू झुनझुनवाला, अभी हम उनको अपना समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को। जी हाँ, दिल्ली में तो आपने कांग्रेस से समर्थन नहीं दिया है, लिया नहीं है? नहीं, हमारे प्रदेश जो अध्यक्ष है रामपाल जी जाट, उन्होंने उनको समर्थन दे दिया और उसी के अनुपालना में हम यहाँ पर उनको समर्थन दिया। कांग्रेस प्रदेश में ही? आपसे नहीं, आपसे समर्थन मांगा है, आप जबरदस्ती दे रहे हैं? हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। अजमेर में ही दे रहे हैं या राजस्थान में? राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ने ऑलरेडी दे दिया और उसी के अनुपालना में हम अजमेर लोकसभा में अपना समर्थन दे रहे हैं। आपका नाम? राकेश शर्मा। आप क्या? प्रवक्ता।